तेजस्वी यादव अपनी चिंता करें, 19 के चुनाव में उनका खाता भी नहीं खुला था। कौन सा सीमांचल, वो सब मिथिला है। उस समय लालू यादव जीवित थे और आज भी जीवित हैं। तेजस्वी यादव जी उस समय नेता थे राजद के, 40 में एक खाता नहीं खोल पाए बिहार में। तो ये 7 दल 9 दल मिल करके एक मैदान नहीं भर पाए, उनकी क्या बात। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार ये नहीं पूरे देश से बीजेपी अब समाप्त होने वाली है। तेजस्वी यादव अपनी चिंता करें कि बिहार में पिछली बार आपको याद है ना कि 19 के चुनाव में उनका खाता भी नहीं खुला था। उस समय लालू यादव जीवित थे और आज भी जीवित हैं। तेजस्वी यादव जी उस समय नेता थे राजद के और 40 में एक खाता नहीं खोल पाए बिहार में। इस बार भी उनकी हालत वही होगी। वो अपना चिंता करें, अपने पार्टी को संभाल कर रखें। कल से बिहार विधानसभा मंडल का जो है शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, आपकी क्या तैयारियां? अरे भारतीय जनता पार्टी विपक्षी की भूमिका मजबूती के साथ सत्र के अंदर निभाएगी, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। सीमांचल में महागठबंधन के द्वारा रैली किया गया, कहीं ना कहीं मुसलमानों को गोलाबंदी करके। कौन सा सीमांचल, वो सब मिथिला है। कटिहार से लेकर के एकदम मुजफ्फरपुर तक मिथिला है, उसको एक अलग अंचल में मत तब्दील करिए। और वहाँ बैठ कर उस सीमांचल की मीटिंग थोड़ी थी, ये तो पूरे बिहार। मैं तो लौरिया में था, मैं लौरिया से देखा राजद के लोगों को झंडा बांध करके वहाँ जा रहे थे। तो ये 7 दल 9 दल मिल करके एक मैदान नहीं भर पाए, उनकी क्या बात करते हैं। कि आप अकेले कैसे लड़ेंगे जबकि वहाँ पे 7 दलों का गठबंधन। हम अकेले इसलिए लड़ेंगे कि बिहार की महान जनता हमारे साथ है, वो बिहार की जंगल राज से उग चुकी है। श्री यादव अपनी चिंता करें कि बिहार में पिछली बार आपको याद है ना कि 19 के चुनाव में उनका खाता भी नहीं खुला था। उस समय लालू यादव जीवित थे और आज भी जीवित हैं। तेजस्वी यादव जी उस समय नेता थे राजद के और 40 में एक खाता नहीं खोल पाए बिहार में। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।